हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एंड मैं अभी फिलहाल इस लोकेशन पे रुका हूँ ताकि मैं जो ना एक छोटा सा वीडियो शूट कर सकूँ जो भी मैंने एक्सेसरीज ऐड की है। माइट भी आप लोगों को शायद थोड़ा सा वॉइस कम आ रही होगी बिकॉज मैं अपना ब्लूटूथ लाइक माइक भूल चुका हूँ। तो मैं आप लोगों को एक बार रिव्यू देता हूँ मैंने जो जो मॉडिफिकेशन की है या फिर कह सकते हैं एक्सेसरीज ऐड की है इसके अंदर। लेट मी शो यू दैट। When I knew it from the start. तो सबसे पहली एक्सेसरी जो लोगों को दिखती है जल्दी से वो होता है सामने का फेस, लाइक जो कह सकते हैं कि फ्रंट पार्ट। एंड मैंने यहाँ पे सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको, मैं पहले अपना ये हेलमेट रख देता हूँ यहाँ पे, इट्स काइंड ऑफ हैवी। तो मैंने ये ऐड किया था हेडलाइट जो कि माइनस में है, लाइक जो इसका बीच में आपका डे लाइट दिख रहा है आपको माइनस में रहेगा। इसमें सर्कल भी था बट मुझे सर्कल इतना कुछ पसंद नहीं आया तो मैंने माइनस में ऐड किया है लाइट ऐड किया है, जो कि इसकी कॉस्टिंग मुझे करीब 2800 में पड़ी थी। लाइक दे वर शोइंग मी थ्री क्वालिटीज एंड सबसे अच्छा इसका लाइट का आउटपुट मुझे इसी लाइट का दिखा तो मैंने ये परचेस किया। इनमें वारंटी ऐसा कुछ होता नहीं है, सारी चीज़ें विदाउट वारंटी होती है। एंड मैंने एक और लिया था, ये है वाइज़र, मैंने ऐड किया विंड वाइज़र। तो ये डायरेक्ट फिटिंग है, लाइक नो नीड फॉर एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा रॉड्स और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में देखे वो लोग जो है ना वाइज़र जब लगाते तो ऐड सम काइंड ऑफ स्टील रॉड्स जो कि कनेक्टेड होते हैं हमारे हैंडल से, बट मैंने डायरेक्ट फिटिंग वाला लिया है। एंड ये मुझे कुछ पड़ा था 900 समथिंग एंड मुझे ट्रांसपेरेंट ही चाहिए था, थोड़े जो है ना वो डार्क ब्लैक भी आ रहे थे बट ग्लॉसी ब्लैक थे बट ऐसा ट्रांसपेरेंट नहीं था, तो मुझे ऐसा ट्रांसपेरेंट वाला लाइट ब्लैक चाहिए था। मैंने ये परचेज किया तो ये मुझे कुछ 900 और या फिर 950 कुछ चेंज में पड़ा है। देन एन इम्पॉर्टेंट चीज, लाइक इम्पॉर्टेंट थिंग एक्सेसरी यू कैन जस्ट सी द सम गार्ड। मैंने ये कुछ 1300 में कुछ परचेज किया है ये एंड इट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी। दे वर शोइंग मी टू क्या कहते हैं, दो कलर बता रहे थे वो लोग, एक था ग्रे या जर्मन कलर एंड एक और था ये ब्लैक। मैंने ब्लैक ऐड किया था कि ये ब्लैक सूट हो सके इसे। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइज, सॉरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइज, कि अगर आप लोग को आपके शूज़ सही सलामत रखने हैं देन यू हैव टू ऐड दिस रबर ग्रिप गियर शिफ्ट करने के लिए, अदरवाइज आपके शूज़ के लग जाएंगे। बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में क्रॉक्स पहने थे तो यहाँ पे सब कुछ ऐसा ब्लैक हो चुका था बट इसकी वजह से अभी कुछ नहीं होता है। देन आई एडेड दिस फुट रेस्ट बिकॉज ये थोड़ी सी हाइट लाइक गाड़ी नहीं है उतनी बट फॉर माई मॉम मैंने ये फुट रेस्ट ऐड किया है। ये मुझे कुछ पड़ा था 560 ऐसा कुछ, दोनों साइड के आते हैं बट मुझे बस एक ही साइड लगाना था मैंने तो यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने इस चीज़ को। देन ये बैक रेस्ट, लाइक विदाउट बैक रेस्ट जो है ना आपको बहुत अच्छी लगेगी गाड़ी बट अगर आपको सेफ्टी चाहिए, अगर आप स्पीड भगा रहे हो गाड़ी एंड यू नीड सम काइंड ऑफ सपोर्ट बैक सपोर्ट तो आप इसे ऐड करिए। मुझे इस लाइक इस चीज़ के साथ सब पूरा सेट मुझे पड़ा था कुछ 1500 या 1600 के आसपास, विच इज़ ऑफ गुड क्वालिटी। एंड मैंने ये लाइक 4 मंथ्स हो चुके हैं अभी तक, ना कलर फेड हुआ है कुछ भी नहीं हुआ है एंड इस पर हंटा की ब्रांडिंग भी आती है, सो ये शोरूम टाइप लगता है। एंड ये जो है ना हार्ड फोम का है, कुछ ज़्यादा हार्ड है बट हाँ ये इसीलिए होगा ताकि आप प्रॉपर तरीके से फिटमेंट रहे इस चीज़ का। बाकी मैंने ऐसा कुछ और बाकी ऐड नहीं किया। हाँ वन मोर थिंग, एक और छोटी सी चीज़, एक तो है मैंने यहाँ पे ऑयल कैप भी ऐड किया है, ऑयल प्रोटेक्टर, ताकि यहाँ पे पैर नज़दीक है अगर लग जाए तो प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए ये मैंने कैप उस पर ऐड किया है। देन थोड़ा सा लुक जो है ना बल्कि बनाने के लिए आई एडेड दोज प्रो डिस्क कह लो या फिर आप लोग व्हील कवर कह लो, कुछ भी कह सकते हो इस चीज़ को। मैंने खुद से DIY किया है, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था इस चीज़ को विच कॉस्टेड मी अराउंड 500 समथिंग, तो ये मैंने खुद से घर पे ही इंस्टॉल किया है। इसकी ऑलरेडी वीडियो है, आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा या फिर आपको पॉपअप भी आ रहा होगा वीडियो में तो आप वो वीडियो भी देख लीजिए मैंने इसे कैसे इंस्टॉल किया क्या ना सब कुछ। लाइक मैं आपको ऐसा वर्बली तो नहीं बोल रहा बट आप लोगों को सब दिख जाएगा वीडियो में। एंड ये मुझे कुछ 500 के आसपास पड़ा था, यहाँ सामने फ्रंट टायर का भी एंड इवन द बैक टायर, तो इससे जो है ना लुक बहुत लाइक थोड़ी सी बल्की नज़र आती है। देखिए आप, शायद आप लोगों को भी दिख रहा होगा
लगता है या बहुत ब्रॉड लगता है बिकॉज सामने का टायर इसका बहुत छोटा है। इन फ्यूचर माइंड भी विल अपग्रेड द व्हील साइज थोड़ा सा। एंड ये लाइट जो आपको शो कर रहा है यहाँ पे लाइक अगर आप ब्रेक दबाओगे तो ये ऑरेंज में कन्वर्ट होता है बैक एंड सब आगे का। एंड इवन आई एडेड वन मोर थिंग विच इज ये फोन होल्डर हमारा। एट प्रेजेंट मैंने यहाँ पे गोप्रो की बैटरी चार्ज करने के लिए रखी है बट ये फोन होल्डर मैंने 240 या 230 रुपीज में ऑर्डर किया था कुछ। एंड देयर इज आवर हेलमेट विद गोप्रो सॉरी एक्शन कैमरा दैट्स नॉट अ गोप्रो दैट इज अ कैसन S6 एंड उसका भी मैंने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग दिखा दिया आप लोगों को। लाइक इन फ्यूचर आई एम थिंकिंग टू ऐड दैट बार हैंडल मिरर्स। अभी इतनी मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है बट शायद लाइक उसका यूज तो देखो अभी इस मिरर में भी शो कर रहा है पीछे का मुझे सब कुछ दिख रहा है बट टू चेंज द लुक माइट बी इन फ्यूचर आई कैन जस्ट ऐड दोस बार हैंडल मिरर्स। अभी देखते हैं। एंड हाँ मैंने इतने ऐड किए बाकी मैंने ऐसा ज़्यादा कुछ एक्सेसरीज नहीं डाली है बस कुछ सिंपल एक्सेसरीज है जो थोड़ा बहुत लुक चेंज कर सकती है गाड़ी का एंड स्टॉक की स्टॉक रहेगी जो कि यू कैन कंसिडर दिस थिंग्स एज अ लीगल मॉडिफिकेशन काइंड ऑफ स्टॉक। तो यही था आज का। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जो है ना लाइक करिए शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड मेरा एक और ब्लॉग भी आएगा वो भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए टाटा बाय।